पंजाब फूड अथॉरिटी लोधना टीम का जाली दूध तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा, हजारों लीटर जाली दूध की तैयारी को नाकाम बना दिया। मजीद जानते हैं डॉक्टर खासम अब्बास बलोच की इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी शुएब खान जदून की हत्या पर पंजाब फूड अथॉरिटी लोधरा की जानिब से मिलावट माफिया के खिलाफ जिला भर में कार्रवाइयां जारी हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी लोधरा टीम ने एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन मुबशर रहमान की सरबराही में दोनोट के नवाही इलाके मौजा सोलहवाला में जाली दूध तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। पंजाब फूड अथॉरिटी टीम ने 600 लीटर दूध नमक गाढ़ा महलूल परिमैक्स बरामद करके तलफ कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी टीम ने जाली दूध तैयार करने वाला सामान भी जब्त कर लिया है और फैक्ट्री मालकान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी टीम के मुताबिक महलूल में पानी की मिलावट करके तकरीबन 2000 लीटर मसनूई दूध तैयार किया जाना था। मिल्क पाउडर, यूरिया और वेजिटेबल ऑयल मिक्स करके महलूल तैयार किया गया था। जहरीला दूध मिल्क शॉप्स, होटलों और घरों में सप्लाई किया जाना था। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी शेख खान जंदून का इस मौके पर कहना था कि आवाम को चाहिए घर में सप्लाई होने वाले दूध का टेस्ट करवाएं। पंजाब फूड अथॉरिटी के तमाम दफातर में दूध के मुफ्त टेस्ट की सहूलत मौजूद है। इनका मजीद कहना था कि कुदरती गजा में जालसाजी और धोखादेही बच्चों के मुस्तबिल से खिलवाड़ है। जालसाज माफिया के मकरूह धंधे को हर सूरत में बंद किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजम अब्बास बलोच, राज न्यूज़, लोधरा।